हेलो दोस्तों, सब दोस्तों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ। आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है और मैं अपने हस्बैंड को सरप्राइज़ दे रही हूँ। आज मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, तो आप सब लोग ज़रूर देखना वीडियो को पूरा। ये देखो फ्रेंड्स, हमारा केक। और आइए हम अब केक काटते हैं। यहाँ पे मेरा लड़का भी सोया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डेकोरेशन करते हैं। और यहाँ पे मैं डेकोरेशन कर रही हूँ। डेकोरेशन लगभग हो ही चुकी है, ज़्यादा तो नहीं करी। ये देखिए, इसमें नाम भी लिखा है हस्बैंड। और ये मेरे बच्चे खेल रहे हैं गेम। ये बस दिन रात फ़ोन में ही चिपके रहते हैं। और यहाँ पे मेरे ये मेरी देवरानी है। अब हम केक काटेंगे। ये हैप्पी बर्थडे टू यू। और यहाँ पे ये केक काटने की तैयारियाँ करते हुए अब मेरे हस्बैंड केक काटेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू। अब केक काट रहे हैं हम। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। और ये यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को केक खिलाती हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू। और आज हमारे लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है। आज मेरे हस्बैंड ने शायद लाइफ में पहली बार अपने बर्थडे का केक काटा होगा। इससे पहले तो नहीं काटा शायद। आज भी ये मना कर रहे थे, पर मैं ही ज़बरदस्ती लेके आई। ये दीदी के वहाँ गए मट्ठा और दूध पहुँचाने, तब तक मैं जल्दी से मार्केट गई और केक और थोड़ा डेकोरेशन का सामान लेके आई। हम डेकोरेट कर ही रहे थे कि इतने में मेरे हस्बैंड पहुँच गए और उन्होंने कहा कि डेकोरेशन तो कर रहे हो आप, केक कहाँ है? और मैंने केक पहले ही फ्रीज में रख दिया था। फिर पावनी ने बोला कि आओ पापा, आपको एक सरप्राइज़ देना है। फिर पावनी ने केक दिखाया फ्रीज में और मेरे हस्बैंड बहुत खुश हो गए। और आज हमारे मम्मी पापा भी घर में नहीं हैं, वो लोग पहाड़ गए हैं। और आने वाले थे वो लोग तो आज, बट रोड ब्लॉक हो गई तो वहीं रुक गए वो लोग। हमने वैसे तो दीदी लोग को भी इन्वाइट किया था, बट वो लोग भी बारिश की वजह से नहीं आ पाए। इसलिए मेरे हस्बैंड का भी मन नहीं हो रहा था केक काटने का, फिर भी मैं ज़बरदस्ती लेके आई। आज इतने सालों में घर है तो मैंने कहा कि केक तो काटना ही चाहिए। और यहाँ पे हमारे बच्चे भी बहुत खुश हैं। और यहाँ पे मेरा लड़का भी काव्यान से मेरी गोदी में बैठा है। और यहाँ पे काव्यांश अपने पापा की गोदी में सोया है। इसको तो अपने पापा की गोदी में ही अच्छा लगता है, पापा की गोदी में सो जाते हैं। और इसके पापा ने इसको बहुत गोदी की आदत लगा दी है। अब ये नीचे बिल्कुल भी नहीं रहता है, जैसे ही नीचे रखो तो वैसे ही रोने लग जाता है। और इसके पापा तो इसको बिल्कुल नहीं रोने देते, जैसे ही थोड़ा भी ऊँ आँ करी सीधे गोद में पकड़ लेते हैं। और यहाँ पर काव्यांश भी 2 मंथ का है, तो अपने पापा का हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जानवी भी आजकल स्कूल जाने लग गई है। अभी इसको 2-3 ही दिन हुए स्कूल जाते हुए, ये शिक्षा भारती में जाती है। और ये देखो काव्यांश सो गया, नींद भी आ गई इसको।
और आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में बताना। और अब मैं यहाँ पे केक सर्व करते हुए, हम लोग आज 5 ही लोग हैं तो मैंने 5 ही प्लेट्स लगा रखी हैं। और ये केक बटर स्कॉच फ्लेवर में है और जो इसके पापा को बहुत ही पसंद है तो इनकी पसंद का केक लेके आई मैं। और अब हम केक खाएंगे, हमारे बच्चों को बहुत ही केक का बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है। और हम कोल्ड ड्रिंक तो लाए थे बट हमने खोली नहीं क्योंकि ठंड बहुत हो रही है और बच्चे भी जिद करते हैं फिर पीने की और बच्चों को जुखाम उखाम का डर रहता है, तो इसलिए हम यहाँ पे केक और समोसा लेके आए हैं, गरम गरम समोसे। और आज मंडे है और इनका जन्मवार भी है और आज इनके जन्मवार के दिन ही इनका जन्मदिन भी है, ऐसा बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है ऐसा संजोग। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे ऐसे वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और प्लीज़ प्लीज़ आगे देखते वीडियो को पूरा देखना। और आगे मैं अब अपनी करवा चौथ की शॉपिंग का वीडियो लेके आऊँगी, और भी आप लोग ज़रूर देखना। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और अपना सपोर्ट ज़रूर करना। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, ओके बाय, थैंक यू।